आप देख रहे हैं बीपी लाइव, मैं हूं आपके साथ वंशिका सिंह। महात्मा गांधी ने जैसा कहा था, अगर भगवान रोटी के रूप में गरीबों और भूखों के सामने प्रकट होते हैं तो वो भगवान डॉक्टर स्वामीनाथन हैं। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर मनकोम्बु संबिशन स्वामीनाथन का 28 सितंबर को निधन हो गया। वो 98 साल के थे। उन्होंने चेन्नई में अंतिम सांस ली। महान कृषि वैज्ञानिक M.S. स्वामीनाथन कई दिनों से बढ़ती उम्र की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे थे। एग्रीकल्चर फील्ड में सराहनीय काम करने के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा था। आइए जानते हैं उनके बारे में और स्वामीनाथन देश को क्या देकर गए हैं ये भी जानते हैं। दरअसल जब भारत आजाद हुआ तब हालात आज की तरह नहीं थे। किसी भी क्षेत्र में कोई आधार नहीं था। अंग्रेज देश को खोखला छोड़ गए थे। ना खाने को अन्न था, ना पीने को ठीक से पानी। सिंचाई के लिए व्यवस्था दाल में नमक बराबर थी। ऐसे में हम अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो गए। बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, लाखों लोग मरे। देश में चारों तरफ खाद्यान्न संकट बढ़ता जा रहा था। उस समय एक गांधीवादी साइंटिस्ट ने धान की ज्यादा उपज देने वाली किस्में विकसित थी। इससे कम आय वाले किसानों के लिए अधिक पैदावार करने का जरिया मिल गया। भारत में वही हरित क्रांति थी। इसके बाद देश के किसानों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तमिलनाडु में उस साइंटिस्ट को आज पूरा देश भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंड डेवलपमेंट ने उन्हें कृषि में महिलाओं के ज्ञान कौशल और तकनीकी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान और कृषि और ग्रामीण विकास में लैंगिक विचारों को मुख्य धारा में लाने में उनकी अग्रणी भूमिका के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। ऐसी खबरों से देखने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।